नमस्कार, मैं हूं तेजेश चौहान। एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर आर के भाटिया हैं, जो कुत्तों के वरिष्ठ चिकित्सक हैं। इनसे हम जानकारी करते हैं कि फ्लैट्स में कुत्ते किस तरह की नस्ल के पालने चाहिए और किस तरह के नहीं पालने चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और यदि कुत्ता काट लेता है तो लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। नमस्कार भाई साहब जी। सबसे पहले मेरा यही सवाल है, अभी मैंने बताया जैसे कि किस तरह की नस्ल के कुत्ते फ्लैट्स में पालने चाहिए। देखिए, फ्लैट्स के अंदर जो है छोटी ब्रीड का कुत्ता पालना चाहिए, जैसे पोमेरेनियन हो गया, स्पिट्स हो गया, शिह त्ज़ू हो गया, लाशेप्स हो गया, पग हो गया, और कई ब्रीड है छोटी वाली, चिहुआहुआ वगैरह, ये सब पाल सकते हैं आप आराम से जी। और जो आजकल फ्लैट्स में बड़े बड़े कुत्ते पाल रखे हैं लोगों ने, जैसे पिटबुल हो गया, पाकिस्तानी बुली हो गया, अमेरिकन बुली हो गया, रॉटविलर हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, ये सब कुत्ते थोड़े से उग्र स्वभाव के होते हैं, तो अक्सर लोगों पे हमला कर देते हैं। तो पालने वाले को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि मैं अपने कुत्ते को ट्रेंड कराऊं, फ्रेंडली कराऊं। इन फ्लैट्स में इतनी जगह होती नहीं कुत्ता दौड़ भाग कर सके, तो कुत्ता अक्सर थोड़ा उग्र स्वभाव का होने के कारण उग्र रहता है, और जब भी उसे बाहर लेके निकलें तो उसके मुँह में मज़ल होना चाहिए, और उसके ऊपर आपको बढ़िया से एक अच्छा पट्टा और चेन, जिसे आप कॉलर और बेल्ट कह सकते हैं, वो होना चाहिए, और उसको लेकर जब निकले। और सबसे पहली चीज़, कुत्ते को ट्रेंड ज़रूर कराएं, और समय पे उसका वैक्सीन ज़रूर कराएं। और वैक्सीन में ये ना सोचें कि मेरा कुत्ता किसी को काटता नहीं तो किसी को रेबीज़ नहीं होगी। कुत्ते के काटने से रेबीज़ नहीं होती, कुत्ते के थूक से रेबीज़ चलती है, तो यदि कुत्ता किसी को चाट भी लेगा तो रेबीज़ हो सकती है। तो मेरा आपको एक सलाह यही है कि रेबीज़ वैक्सीनेशन मस्ट है प्रतिवर्ष। ये सोच के चले कि जैसे आप होली दिवाली मनाते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं, इसी प्रकार रेबीज़ का भी एक उत्सव होना चाहिए आपके घर में, कि मुझे रेबीज़ का इंजेक्शन आज अपने कुत्ते को लगवाना है, और उस डेट को मिस ना करें, समय पे लगवाएं। डॉक्टर साहब, एक मेरा बड़ा सवाल है, यदि कुत्ता काट लेता है तो कुछ लोग तेल, हल्दी, मिर्च ये लगाते हैं, नमक लगाते हैं, तो यह लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, या किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए? जी देखिए, ऐसा होता है कुत्ता जब भी किसी को काट ले तो पैनिक नहीं होना, आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। सबसे पहले नल पे जाइए, कार्बोलिक सोप लीजिए, जैसे लाइफ बॉय सोप आता है बाज़ार में, उससे पानी की चलती हुई धार से अपने हाथ को साफ़ करें, साबुन से रगड़ के धोए उसे, और उसको रुई से साफ़ करके, और उसके बाद उस पर बीटाडीन लगाएं। दूसरी चीज़ ये, हल्दी, नमक, मिर्च झोड़ में नहाना, इससे कुछ नहीं होगा, आपको रेबीज़ का वैक्सीन लगवाना ही लगवाना है। और डॉक्टर के पास जाइए, उनको सारी बात बताइए, जो भी एंटीबायोटिक घाव सुखाने के लिए देते हैं वो लीजिए, जो टिटनस का टीका वो लगवाते हैं वो लीजिए। कुत्ता काटे को हल्के में ना समझें, विश्व में कुत्ता काटने के बाद जो रेबीज़ होती है उसका कोई इलाज नहीं है। ये थे डॉक्टर आर के भाटिया, जो कि यहाँ कुत्तों के वरिष्ठ चिकित्सक हैं। इन्होंने बताया किस तरह की नस्ल के कुत्ते फ्लैट्स में पालने चाहिए, और उनको पालने के बाद भी किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, यदि कुत्ता काट लेता है तो फिर उस पर क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये सारी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है। गाजियाबाद से एनबीटी ऑनलाइन के लिए तेजेश चौहान।